हाय फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी झटपट बनने वाले फूले फूले सुपर सॉफ्ट आलू नान। इसे तंदूर में नहीं तवे पे बनाएंगे और साथ में रेस्टोरेंट से भी अच्छी पनीर मसाला और मसाला लच्छा प्याज। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपीज। शुरू करते हैं सॉफ्ट आलू नान बनाना। आलू नान बनाने के लिए 500 ग्राम मैदा लिया है। ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, साथ में 1 टीस्पून चीनी, अच्छा रंग आएगा। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कलौंजी, इससे टेस्ट आता है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया, साथ में हाफ कप दही। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ऐड करें घी 3 से 4 टेबलस्पून, आप बटर या ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीजों को हाथ की मदद से अच्छे से मिला दें। इसमें ऐड करेंगे उबले और ग्रेट किए हुए आलू वजन से 250 ग्राम या 3 बड़े आलू। मिक्स करें। अच्छे से मिक्स होने पर गुनगुने दूध से गूंदेंगे। आप दूध धीरे धीरे मिलाएं और गूंदें। डो को नरम होना चाहिए। इस नान की खासियत यह है कि आप बिना अवन और बिना तंदूर के इसे पका सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। सॉफ्ट डो बनाने के लिए आधे से एक कप दूध यूज होगा। गूंदे जाने पे 1 टेबलस्पून घी या ऑयल डालें और फिर से गूंद लें। ये देखिए सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार है। इसे कवर कर दें और रेस्ट देंगे 1 घंटे के लिए, जब तक पनीर मसाला बना लेते हैं। बिरिस्ता बनाना है जैसे हम बिरयानी के लिए बनाते हैं। पैन में तेल गरम करेंगे 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा। तेल गरम होने पर 1 या 2 स्लाइस प्याज के डालकर चेक कर लें कि तेल गरम हो गया है। इसके बाद 4 मीडियम साइज प्याज, जिसे पहले से स्लाइस कर रखा है, ऐड करेंगे वेट में 200 ग्राम। फ्लेम मीडियम से हाई, इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर आ गया है, इसे निकाल लें। इसमें कैरी ओवर कुकिंग होती है, इसे ज़्यादा ना पकाएं। सेम ऑयल में अदरक और लहसुन को फ्राई करेंगे। इन दोनों को फ्राई करेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक, फिर इसे निकाल लें। इसे ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग जार में ऐड करेंगे फ्राइड प्याज, अदरक और लहसुन। इसका पेस्ट बनाएंगे बिना पानी ऐड किए। ऐसा प्याज फ्राई करने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि प्याज कैरामलाइज्ड हो जाता है। जार का ढक्कन बंद करके पेस्ट बना लें। ये देखिए पेस्ट तैयार है। इसे बर्तन में निकाल लें और साइड में रखें। तलने के बाद जो तेल बचा है उसी को हम यूज करेंगे। ये एनहेंस करेगा अरोमा और फ्लेवर इस पनीर की सब्जी में। तेल गरम होने पर डालेंगे खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेजपत्ता, साथ में 1/2 टीस्पून जीरा। हिला दें। जीरा तरकने पर फ्लेम लो करें। ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, इससे कलर आता है, तीखापन नहीं। हल्दी पाउडर 3/4 टीस्पून। मिक्स कर दें। साथ में मिलाएंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी वजन से 225 ग्राम। इसे भूनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। टमाटर सब्जी को टेक्सचर देता है, इसे अच्छे से पकाना है। कवर करें फ्लेम लो मीडियम, इसे बीच बीच में हिलाते रहें। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। साथ में मिला दें फ्राई किए हुए प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से मिला दें।
अब डालें धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, मिक्स करें और भून लें। इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। मसाला पक गया है, फ्लेम को ऑफ कर दें या लो करें। अब मिक्स करेंगे दही 3 टेबलस्पून। दही ऐड करने पर लगातार मिक्स करें और फ्लेम को ऑन कर दें। कवर करके कुक करेंगे फ्लेम लो मीडियम जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, मिक्स करें। साथ में मिलाएं 1 कप गरम पानी ग्रेवी के लिए। बॉयल आने दें। बॉयल आने पर ऐड करेंगे गरम मसाला हाफ टी स्पून, मिक्स करें। ऐड करेंगे 300 ग्राम पनीर के क्यूब्स। ये बिना फ्राई किए हैं, आप फ्राई भी कर सकते हैं। साथ में 2 हरी मिर्च चीरा लगाकर डाल दें, मिक्स करें। कवर कर धीमी आंच पर इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ऐड करें हरा धनिया कटा हुआ, मिक्स कर दें। रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनाने के लिए ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी, जिससे इसका स्वाद और लुक भी बदल जाएगी। मिक्स करें, कवर करेंगे और कुक करेंगे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर। ये देखिए रेस्टोरेंट और होटल से भी अच्छी पनीर मसाला तैयार है। इसका कलर भी बढ़िया आया है, ग्रेवी का टेक्सचर भी परफेक्ट है और स्वाद में तो ये 4 चांद लगा देगी। फ्लेम ऑफ कर दें। पनीर मसाला तैयार है। चलिए अब आलू नान रोटी बनाएंगे। आटे ने रेस्ट कर लिया है, इसकी लोइयां बना लेते हैं। हाथों पर थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी लगाकर मीडियम साइज की लोइयां बनानी है। इस तरह आप सारे आटे की लोइयां बना लें। एक एक करके सभी लोइयां बनकर तैयार हैं। इसे कवर करके रखें। पहले चकले पे मैदा डस्ट कर लें। एक लोई लेकर हाथ की मदद से बड़ा करें, फिर उसे बेलन की मदद से बेल लें। इसे आप ओवल शेप में भी बेल सकते हैं, मैंने राउंड शेप में बेला है। ये देखिए इसकी थिकनेस। अब हम इसे सेकेंगे। तवा गर्म होने पर फ्लेम लो करें और इसे इस पे डाल दें। 1 से 1.5 मिनट बाद इसे पलट दें। कलर चेंज होने पर पलट दें। अलट पलट करते हुए पका लें और स्पैचुला की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए पकाएं। ये देखिए ये फूल गई है। ये देखिए तैयार है सुपर सॉफ्ट आलू नान। इस तरह सभी आलू के नान को सेक लें। सुपर सॉफ्ट आलू नान को टेस्टी बनाने के लिए बटर लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। बटर पिघला हुआ होना चाहिए। इसमें ग्रेटेड लहसुन ऐड करेंगे 3 से 4 कतली, थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स करें। इसे अब हम नान पे लगाएंगे ब्रश की मदद से। तैयार है टेस्टी जायकेदार सुपर सॉफ्ट आलू नान। ये देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं। अब जल्दी से बना लेते हैं लच्छा प्याज। बर्फ के पानी में ऐड करेंगे 2 प्याज, जिसे रिंग शेप में काट लिया है। इसे बर्फ के पानी में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे ये कड़क हो जाएं। बाउल में ऐड करें लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, काला नमक 1/2 टीस्पून, हरा धनिया थोड़ा सा और मिक्स करें। बर्फ के पानी से प्याज निकालकर इस बाउल में ऐड करें। साथ में ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस और इसे बढ़िया से मिक्स कर दें। सर्व करने को लच्छा प्याज तैयार है। कंप्लीट मील बनकर तैयार है। इसे आप जरूर जरूर बनाएं, ये सबको पसंद आएगा। घर पर बनाएं और सब फैमिली मेंबर्स मिलकर
इस टेस्टी लाजवाब डिलीशियस थाली को एंजॉय करें। ये आलू नान सॉफ्ट बने हैं, इसे तोड़कर दिखाती हूँ मैं आपको अंदर से। गारंटी देती हूँ ये थाली सबको पसंद आएगी। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पसंद आया, आलू नान रोटी या पनीर मसाला। अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।